हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर साकी मीडियम। वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड इंस्टाग्राम पर वीकली रीडिंग होती है तो इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आज की टॉपिक है हु विल यू मैरी, आपकी शादी किससे होगी। मैं डिटेल में देखूंगी, डिफरेंट डिफरेंट डेट का इस्तेमाल भी करूंगी, ठीक है। आप बर्ड्स के थ्रू से भी आप चूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो डेट ऑफ बर्थ तो है ही। ओके, ग्रुप नंबर वन। ओके, आपकी डेट ऑफ बर्थ है ये, ठीक है। एंड ग्रुप नंबर वन के लिए बर्ड येलो बर्ड, ग्रुप नंबर टू दिस फ्लाइंग बर्ड ग्रीन फ्लाइंग बर्ड, काफ़ी चंचल है ये। एंड डेट ऑफ बर्थ ग्रुप नंबर थ्री, काफ़ी शांत है ये। ओके, रेवन। एंड डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। हेलो ग्रुप नंबर वन, वेलकम। आपने येलो बर्ड चूज़ किया है और डेट ऑफ बर्थ इस डेट में से है। चलिए देखते हैं आपकी शादी किससे होगी, ठीक है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। हम डिटेल में देखेंगे एंड पर्सनल रीडिंग की सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जनरल रीडिंग है, सभी चीज़ें रेजोनेट नहीं होगी, दीज आर एक्स्ट्रा मैसेजेस। ओके, मैं एंड में देखूंगी। यहाँ पर कुछ आपकी स्पाउस की पर्सनालिटी कार्ड है, मास्टर कार्ड है एंड आप दोनों की रिलेशनशिप कार्ड है, ठीक है। मैं एंड में देखूँगी, थैंक यू। पहले मैं एस्ट्रोलॉजिकल डेस्क से देखूँगी कि कुछ मैसेजेस देखूँगी, उसके बाद मैं टैरोट शफल करूँगी एंड कुछ ओरेकल मैसेजेस देखूँगी, ठीक है। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ग्रुप नंबर वन, थैंक यू, थैंक यू। अगर कभी भी मतलब फ्यूचर पाउस की रीडिंग के दौरान अगर आपकी एनर्जी मैच हो रही है, ये बहुत पॉजिटिव है माय डियर। कभी कभी क्या होता है किसी दो चार्ट में, मतलब डी वन चार्ट डी नाइन चार्ट, अगर बहुत सारे प्लैनेट बरगतम होती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी एनर्जी बहुत हद तक सेम लेवल पे होगी। अगर लग रही है कि मेरी ही एनर्जी है फिर तो बहुत बढ़िया है, ये एनर्जी आप ही के जैसे होगी। तो ऐसा मत कहिए कि मैं खुद से ही शादी कर रही हूँ, थैंक यू। प्लैनेट जब बहुत सारे प्लैनेट उच्च हो रही है, बरगतम हो रही है, तो उस जगह पर एनर्जी बहुत हद तक सेम होती है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ग्रुप नंबर वन की फ्यूचर स्पाउस कौन है, थैंक यू। ग्रुप नंबर वन की फ्यूचर स्पाउस, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। वन टाइम मोर, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। सन कार्ड, सन बिंग, बहुत ही पॉपुलर फेस फिगर होगा माय डियर। एंड सन की एनर्जी है रोशनी है, पॉजिटिव एनर्जी है। नंबर फर्स्ट अगर मैं कहूँ क्रिएटिव पर्सन एंड पॉजिटिव पर्सन है माय डियर लाइफ में। ये बहुत ज़रूरी है कि मेरी पार्टनर अगर उनकी एनर्जी में अगर वो नेगेटिविटी रहे तो कहीं ना कहीं वो मुझ पर भी हावी होगी, राइट। तो एनर्जी बहुत पॉजिटिव है माय डियर। एंड देखिए यहाँ पर जैसे एक ब्रेक हो रही है, राइट, जैसे एक न्यू बर्थ होगी माय डियर। जैसे आप दोनों की लाइफ में एक न्यू बर्थ लेकर आएंगे रिलेशनशिप। सन की एनर्जी है पॉपुलर फेस फिगर, सक्सेसफुल एक एनर्जी सन लियो में हो सकती है। सन एनर्जी सन सटबल में बली हो सकती है, डेफिनेटली कमाते होंगे माय डियर, मुझे फर्स्ट कार्ड से ही नज़र आ रही है। या फिर रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करेंगे, थैंक यू। योर फर्स्ट कार्ड सन कार्ड एंड कहीं ना कहीं ये भी मुझे जुपिटर एंड सन की ही वाइब्स दे रही है, थैंक यू, थैंक यू। फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, थैंक यू। ओके, लिब्रा एनर्जी, दिस इज लिब्रा। वैसे देखा जाए सन लिब्रा में डिप्लेटेड हो जाते हैं, बट दिस एनर्जी इज़ वेरी वेरी बैलेंस्ड आइडियलिस्टिक एनर्जी एंड हारमोनियस एनर्जी माय डियर। काफ़ी कोऑपरेटिव होगा, बैलेंस एनर्जी होगा एंड थोड़ी थोड़ी ये पर्सन सब कुछ जांच करने के बाद ही रिलेशनशिप में यस करने वाली एनर्जी है। बहुत ज़्यादा रश इनटू एनीथिंग होने का टेंडेंसी मुझे लग नहीं रहा, बट थोड़ी शॉर्ट टर्म पर इशू इनकी हो सकती है। ट्रैवल करना इनको पसंद हो सकता है, थोड़ी चूज़ी सिलेक्टिव एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, थैंक यू, थैंक यू। ओके, जुपिटर, मैं बोल रही थी आपको जुपिटर की एनर्जी, दैट इज़ द एनर्जी। जुपिटर से हंस नामक राजयोग का निर्माण हो सकता है, जुपिटर एग्जॉल्टेड हो सकती है, एक्सपेंशन
तो पहली बात तो मुझे यहाँ पर इनकी सर्कमफेरेंस काफ़ी बड़ी नज़र आ रही है माय डियर। ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड मुझे नज़र आ रही है, व्हील ऑफ फॉर्चून, जैसे तकदीर भी बदल जाए। एक कुछ ऐसी जो होती है ना डाइस में, वो जो गैम्बलर वगैरह होती है, जैसे वो तकदीर भी बदल जाए माय डियर। तो ये वो एनर्जी है, जैसे आपकी एनर्जी भी चेंज हो जाएगी इनके इनके साथ कनेक्शन में। आज जो आप फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि फ्यूचर पाउस नहीं आएंगे, शादी नहीं होगी, आगे जगह रिलेशनशिप सेटल नहीं होंगे, कुछ ना कुछ यहाँ पर आपकी मन में कुछ नेगेटिविटी है, बट ए पर्सन जैसे आकर आपकी पूरी लाइफ को बदल सकती है। ये वो एनर्जी है, असंभव को संभव बनाने वाली एनर्जी है माय डियर। यहाँ पर इम्पॉसिबल उस जगह पर रास्ता ढूंढने वाली एनर्जी है, ज्ञान है, नॉलेज है, एंड ये सबसे नैसर्गिक बलि ग्रह है, एंड ये सबसे जुपिटर ऑस्पिशियस प्लैनेट है। तो दोनों जहाँ पर मौजूद है, ए पर्सन महाभाग्यवान राजयोग इनके हो सकते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक 9th हाउस, सीकिंग एनर्जीज, हायर स्टडीज़ को दिखा रही है, हायर स्पिरिचुअलिटी को दिखा रही है। आप दोनों की कनेक्शन भी काफ़ी स्पिरिचुअल होगा, हायर डिग्रीज वगैरह इनके पास हो सकती है, या फिर हायर डिग्रीज़ के लिए फॉरेन टूर वगैरह गया होगा, फॉरेन ट्रैवल भी नज़र आ रही है इनके हाथ से। आप इनके थ्रू से जाएंगे, या फिर ए पर्सन काफ़ी फॉरेन कनेक्शन नज़र आ रही है, या फिर मदरलैंड से दूर ए पर्सन है। ज़रूर नहीं है सभी फॉरेन में ही चले जाए, बट मदरलैंड से दूर है ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ओके, एंड सजिटेरियस की एनर्जी बिल्कुल हंस नामक राजयोग मुझे बहुत नज़र आ रही है इनकी बात चार्ट में, आपकी भी हो सकती है माय डियर। चलिए देखते कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस। थैंक यू। काफ़ी सॉलिड बात चार्ट है। थैंक यू। बिजनेस भी हो सकती है, कंपनी, इंजीनियरिंग फील्ड, बिकॉज सन एंड लिब्रा, तो यहाँ पर सन अगर नीच की है तो गवर्नमेंट जॉब से ज़्यादा मुझे यहाँ पर दूसरी फील्ड भी नज़र आ रही है, वो इंजीनियरिंग फील्ड हो सकती है, बिजनेस हो सकती है। थैंक यू। बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग भी हम गवर्नमेंट से थोड़ी अलग देखेंगे फाइनेंस डिपार्टमेंट को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। काफ़ी मैस्कुलर एनर्जी है माय डियर। थैंक यू। लिब्रा की एनर्जी है, काफ़ी जस्टिस लवर एनर्जी होंगे, हुल बी फ्यूचर स्पाउस, ग्रुप वन की फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे। थैंक यू। यस, दिस इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम यू। मैं बोल रही थी बात चार्ट सॉलिड बात चार्ट है, नाइन्थ हाउस भी एक भाग्य भाव को दिखा रही है, महाभाग्यवान योग, तो ये पर्सन आपके लिए गिफ्ट्स होगा माय डियर। थैंक यू। लग्नेश अगर भाग्य भाव में हो, 11th हाउस में हो, पंचम में हो, तो डेफिनेटली ये महाभाग्यवान योग है, या फिर भाग्यवती लग्न में हो। थैंक यू। यस, मैरिज, दिस इज़ अ डेस्टाइंड पार्टनर माय डियर, दिस इज़ अ डेस्टाइंड पार्टनर, एंड एक सोलमेट वाली कनेक्शन है। बट मुझे यहाँ पर ये जो बर्ड अगर आपने इंट्यूटिवली चूज़ की है ना, ये बर्ड जख्मी है, तो हो सकता है कि पर्सन की लाइफ में कोई पास्ट हार्टेक है, या फिर आपकी लाइफ में कोई पास्ट हार्टेक है माय डियर। एक वुंडेड हीलर की एनर्जी आ रही है, एंड जर्नी नंबर 10, मैं बोल रही थी कोई साइकिल चैप्टर क्लोज होगा, आप दोनों मिलेंगे, एंड जर्नी मुझे नज़र आ रही है, बैक टू बैक जर्नी कार्ड आ रही है इनकी। थैंक यू। विल बी फ्यूचर स्पाउस, ग्रुप नंबर 1 की फ्यूचर स्पाउस। थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। विल बी फ्यूचर स्पाउस, ग्रुप नंबर की फ्यूचर स्पाउस। थैंक यू। ग्रुप नंबर की फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वन टाइम मोर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। 8 ऑफ कप्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, या फिर जर्नी एक जर्नी का एक प्रॉब्लम है, और अदरवाइज कोई पास्ट हार्टेक इनका है माय डियर। थैंक यू। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, थैंक यू, थैंक यू। स्ट्रेंथ, बैक टू बैक सन एनर्जी, दिस इज अ लियो एनर्जी, इट्स अ हीलर, गाइड, मेंटर की एनर्जी है माय डियर। बट ए पर्सन कुछ ना कुछ रिलीज करेगा एंड आपके साथ कनेक्ट होंगे, ये वो एनर्जी है। एंड दिस कुड बी योर एनर्जी माय डियर, मैं आपको पहले बोल रही थी एनर्जी यहाँ पर वैसा भरसा हो सकती है, क्योंकि ये आपकी डेस्टाइन पार्टनर हैं, तो कहीं ना कहीं एनर्जी का, क्योंकि जो D1 चार्ट है वो हमारी खुद की चार्ट होती है, D9 पाउस चार्ट है, वो कहाँ से D9 चार्ट आ रही है, आप ही से D9 चार्ट आ रही है, आपकी लग्न चार्ट से ही D9 चार्ट आते हैं, तो एनर्जी काफ़ी हद तक सिमिलर होगी माय डियर। ये आपकी भी पास्ट हार्टेक हो सकती है, या फिर दोनों की ही है। लियो एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट आ रही है, लियो साइन, थैंक यू। लिब्रा, सजिटेरियस, थैंक यू। विल बी फ्यूचर स्पाउस, थैंक यू। एक हीलर की एनर्जी आ रही है इनमें, इनकी भूमिका आपकी लाइफ में एक हीलर के जैसे होगी। यस, एस ऑफ वॉन्ड्स,
ज्वालामुखी एनर्जी माय डियर, जैसे जीवन को देखा है माय डियर, जैसे यहाँ पर एक कॉब वेव है, जाल है, मकड़ी के जाल को जैसे तोड़कर ये आएंगे माय डियर, कुछ ना कुछ तो इनकी लाइफ में है माय डियर। ये सब वॉन्ट्स की एनर्जी, पैशनेट कनेक्शन है माय डियर, एक न्यू बर्थ होगी। फायर एनर्जी के साथ आप काम कर सकते हैं, कैंडल वगैरह डोनेट कर सकते हैं, कैंडल के थ्रू कैंडल जलाकर मेडिटेशन करना, थैंक यू। अगर कोई पास्ट हार्ट के बर्निंग बाउल की रिचुअल सब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। किंग ऑफ पेंटेकल्स, मैं आपको बोल रही थी बैंकिंग फाइनेंस मार्केटिंग की एनर्जी भी आ रही है। एंड दिस व्हील, यू हैव टू टाइम्स जुपिटर, जो मुझे यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आ रही थी, नंबर 10 की एनर्जी आ रही है। 10 एक एंजल नंबर हो सकता है आपके लिए, जुपिटर इंपॉर्टेंट प्लैनेट हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है। मैं दूसरे एक डेक से देखूंगी, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। डिवाइन टाइमिंग पे ये पर्सन के साथ आप मिलेंगे माय डियर, डिवाइन टाइमिंग पे, एंड पर्टिकुलरली प्लेटफॉर्म मुझे नज़र आ रही है जब आप एक मतलब दूसरे के जीवन से जो पास्ट हार्ट है कि वो रिलीज करोगे, तब जाकर आप मिलोगे। विद इन 9 months, विद इन 8, विद इन 1 year इस पर्सन के साथ आप मिल सकते हो माय डियर। 10 की एनर्जी आ रही है, दोनों की एनर्जी में कुछ रिलीज होगी। किंग ऑफ पेंटेकल्स काफ़ी रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करने वाले एनर्जी है माय डियर, और ये पर्सन काफ़ी पॉजिटिव भी होती है रिलेशनशिप में, प्रोटेक्टिव भी होती है, एक लविस लाइफ ये प्रोवाइड कर सकते हैं। विद दिस एस ऑफ वॉन्ट्स, जैसे आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि ऐसी एनर्जी मेरे लिए है, गॉड ने भेजा है, मतलब वो रिजर्व्ड है। अब अभी की टाइम पे वो सोच नहीं पा रही, बट एस ऑफ वॉन्ट्स दिस किंग ऑफ पेंटेकल्स एनर्जी, दिस इज ह्यूज एक्सपेंसिव एनर्जी, एक दूसरे को एक्सप्लोर करने वाली एनर्जी है। थैंक यू, क्या ब्लेसिंग्स लेकर आएंगे ग्रुप नंबर 1 के स्पाउस, क्या ब्लेसिंग्स लेकर आएंगे। थैंक यू। मैजिक आपकी लाइफ में, मैजिक लेकर आएंगे। मैं यही बोल रही थी आपसे कि आप सोच भी नहीं पा रहे माय डियर कि ये इतनी एक मैजिकल एनर्जी है जो आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आएंगे, एक मैजिक लेकर आएंगे जो अभी के टाइम पीरियड में आप सोच नहीं पा रहे हो माय डियर। चलिए देखते हैं, थैंक यू स्पिरिट। मुझे जुपिटर की वाइब्स आ रही है यहाँ पर, लव का अरेंज मैरिज हो सकती है माय डियर, प्रोमिनेंट अरेंज मैरिज है, बट लव का अरेंज मैरिज भी हो सकती है विद दिस सन एनर्जी एंड लिब्रा एनर्जी। लव का अरेंज मैरिज भी हो सकती है बट प्रोमिनेंट अरेंज मैरिज। लेट्स सी पर्सनैलिटी, इंजीनियर आई क्यू, देखिए इंजीनियर का मतलब ज़रूरी है इंजीनियर आर्किटेक्चर ही हो जाए, बट आई क्यू पावर मतलब शार्प माइंडेड एनर्जी, हाई स्टडीज़, मैं आपको बोल रही थी हाई स्टडीज़ वगैरह कर चुके हैं, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। गॉडेस, यस, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, गॉडेस की एनर्जी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है माय डियर, बट गॉड गॉडेस की जो एनर्जी है वो काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन है। वेनस की एनर्जी होती है गॉडेस की एनर्जी में कहीं ना कहीं, तो यहाँ पर इनकी जो फेमिनिन एनर्जी है वो क्रिएटिविटी के थ्रू से एक्सप्रेस करते हैं। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही पर्सन क्रिएटिव पर्सन होगा, डांस, क्राफ्ट, म्यूजिक, किसी ना किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में सिद्धहस्त होगा, एक्सपर्ट होगा माय डियर, ये वो एनर्जी है। एंड ये वो पर्सन है लाइफ टाइम में कभी भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, इस पर्सन की अगर आप सलाह लेते हैं, अपने लाइफ पार्टनर की अगर आप सलाह लेते हैं तो आप आगे बढ़ेंगे। इनकी कदम भी शुभ है माय डियर, माट आयर, यस, देश के लिए कुछ करना है, ये वो एनर्जी, डोनेशन वगैरह देना, चैरिटी वगैरह करना, ये वो एनर्जी है। एंड काफ़ी सेक्रीफाइस भी लाइफ टाइम में किया है माय डियर, फैमिली के लिए हो सकती है, रिलेशनशिप में दूसरे किसी पास्ट रिलेशनशिप में हो सकती है। मुझे एक सेक्रीफाइस की एनर्जी आ रही है, एक कम्प्रोमाइज़ म्यूटेबल एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, कम्प्रोमाइज़ करेंगे लाइफ टाइम में, मतलब आपको कभी भी ऐसा नहीं कि आपको कम्प्रोमाइज़ करने के लिए मजबूर करेंगे, हो सके तो ये कर देंगे, ये वो एनर्जी है, म्यूटेबल फ्लेक्सिबल एनर्जी है। ओके, चलिए देखते हैं मास्टर कार्ड, थैंक यू। द वर्ल्ड, दिस इज द मास्टर कार्ड ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस। वर्ल्ड एक त्रिमूर्ति है, यहाँ पर जैसे विष्णु जी, महादेव एंड ब्रह्मा, जो त्रिमूर्ति की एनर्जी, द वर्ल्ड कम्प्लीशन, जो फूल ने जर्नी स्टार्ट की थी वर्ल्ड में आकर वो ख़त्म हो गई, तो कम्प्लीशन हो जाना, ये वो पर्सन है जो आपकी लाइफ को कम्प्लीट करेंगे, ये वो पर्सन है जो जिस हो सके कि देश के कोना कोना देखना इनका शौक है, पैशन है, घूमना इनको पसंद है, या फिर आप भी आफ्टर मैरिज घूमेंगे माय डियर इनके साथ, रोमांटिक टूर ट्रैवल मुझे नज़र आ रहे, बट दिस इज़ योर मिसिंग पीस, दिस इज़ योर डिवाइन काउंटर पार्ट। लेट्स सी फ्रॉम दिस ओरेकल,
डिवाइन गाइडेंस, यस यहाँ पर बहुत सारे जुपिटर की एनर्जी आ रही है, डिवाइन गाइडेंस, सी दिस, दिस इज इनफाइनाइट सिंबल हियर, सो आप एक दूसरे से अलग नहीं, आप इन्फिनिटी 5D में आप कनेक्टेड है, ए पर्सन है ऑलरेडी आपकी लाइफ में, अगर आप नहीं भी जानते हो मैं फिर भी कह रही हूँ ए पर्सन है आपकी लाइफ में, कहीं नहीं गए, एनर्जी लेवल में आप कम्युनिकेट करते हैं इस पर्सन के साथ। डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए माई डियर, एंड द तांत्रिक यूनियन, यस दिस इज ए ह्यूज पैशनेट कनेक्शन माई डियर, एंड एक सैक्रेड यूनियन है माई डियर, बात सिर्फ यहाँ पर सेक्सुअल रिलेशनशिप की नहीं है, एक सैक्रेड यूनियन मुझे नज़र आ रही है कि एक दूसरे को आप सरेंडर करोगे, एंड लॉन्ग डिस्टेंस से पर्सन आएंगे माई डियर पॉसिबली, थैंक यू स्पिरिट। एंड द रेनबो रिवाइवर, दिस पर्सन इज ए रेस्क्यूअर, या आपकी लाइफ में एक रेनबो लेकर आएंगे, एक बिग रेनबो ब्लेसिंग्स लेकर आएंगे, उड़ान लेकर आएंगे, जो आज आप केज्ड मोमेंट आप फील कर रहे हो, ये जो झूला झूल रहे हैं ना ये लड़की, जैसे सब कुछ मिल गई है लाइफ में, वो लाइफ ही, दिस इज़ द वर्ल्ड एनर्जी, लाइफ ही कम्प्लीट हो गया, तो ये वो एनर्जी है माई डियर। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर वन, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे, गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप नंबर टू, वेलकम, चलिए देखते हैं हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस, जनरल रीडिंग है, सभी चीज़ें रेजोनेट नहीं होगी, डिटेल रीडिंग के लिए पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सारे डिटेल्स से आपने फ्लाइंग बर्ड चूज़ किए, ग्रीन फ्लाइंग बर्ड, और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इस डेट में से है, ठीक है, चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस है यहाँ पर, आपकी स्पाउस की पर्सनैलिटी है, मास्टर कार्ड है, ओवरऑल एनर्जी है, मैं एंड में देखूँगी, पहले मैं डेक से देखूँगी, एस्ट्रोलॉजी डेक से देखूँगी, टैरोट से देखूँगी, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। अगर एनर्जी आपके साथ मैच हो रही है फिर बहुत बढ़िया है, कभी कभी क्या होता है बात चार्ट में कुछ प्लैनेट अगर बरगतम हो रही है आपकी बात चार्ट में, ड्यूआन चार्ट से कुछ प्लैनेट अगर बरगतम हो रही है तो कुछ हद तक एनर्जी सिमिलर आती है, क्योंकि आप ही की चार्ट से D9 चार्ट बनी है, D1 चार्ट से ही D9 चार्ट आती है, तो ऐसा मत कहिए कि मैं खुद से ही शादी करूँ, क्योंकि मैं कमेंट रीड करती हूँ, तो ये बहुत ही मतलब एक नादानी है माय डियर, कि एनर्जी मेरी जैसी है मैं खुद से शादी करूँ, ऐसा नहीं है, बहुत हद तक एनर्जी सिमिलर होती है, हो सकता इवन ऐसा भी मैं हर दिन 10-15 कुंडली देखती हूँ, मैं ऐसे भी देखती हूँ कि पूरे स्पाउस चार्ट, जब मैं कुंडली मैचिंग करती हूँ स्पाउस चार्ट एंड जो बॉय एंड गर्ल दोनों की चार्ट है बहुत हद तक सिमिलर है, दोनों की सश महापुरुष योग है, दोनों की मालविया योग है, तो एनर्जी भी सेम हो सकती है, दोनों ही वाटर साइन की है तो एनर्जी तो बहुत हद तक सेम होगी, ठीक है, चलिए देखते हैं, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, लेट्स सी, ग्रुप नंबर टू हु विल बी फ्यूचर स्पाउस, ग्रुप नंबर टू की फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, थैंक यू, बहुत ही चंचल होगा माय डियर, मुझे बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी, यारी एनर्जी नज़र आ रही है, बहुत चंचल स्वभाव की होंगी, देखते हैं, थैंक यू, या फिर देखने में काफ़ी हैंडसम ब्यूटीफुल एनर्जी हो सकती है, या फिर उम्र से थोड़ी कम ही दिखेंगे ऐसी एनर्जी, थैंक यू, फुल विफ्यूचर स्पाउस ग्रुप नंबर टू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। यस दिस इज़ अपोजिशन बैलेंस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ बैलेंस, तो ये पर्सन मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो मिररिंग की एनर्जी, क्योंकि एक मिरर है माय डियर, तो आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो माय डियर, तो मिरर की एनर्जी में एक ट्विन फ्लेम सोलमेट की वाइब्स आ रही है, बट स्टिल एनर्जी सिमिलर आ रही है, मैं इसी की इतनी टाइम से बात कर रही थी शुरुआत में इंट्रोडक्शन में, मिरर में आप वही देखते हैं जो एक्चुअल में है, वो रिफ्लेक्टेड इमेज आप देख रही हो, राइट, सो डेफिनेटली ये आप ही की रिफ्लेक्टेड इमेज है, एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ट्विन फ्लेम सोलमेट की वाइब्स आ रही है माय डियर, बैलेंस की एनर्जी, फर्स्ट हाउस की लॉर्ड सेवेंथ हाउस की लॉर्ड फर्स्ट हाउस में परिवर्तन योग हो सकते हैं आपकी बात चार्ट में, कोई किसी ने राशि परिवर्तन की है या फिर इनकी बात चार्ट में, थैंक यू, फर्स्ट हाउस, यस फर्स्ट हाउस, सेवन लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस में जब आते हैं तो कहीं ना कहीं स्पाउस आप ही में वो है, वो दूर नहीं है, चाहे मतलब बहुत करीबी मतलब बहुत ज़्यादा दूर से आने वाली एनर्जी नहीं है, कहते हैं कि बहुत आसपास ही वो स्पाउस है, उनका लोकेशन काफ़ी आसपास ही है, सेवन लॉर्ड जब फर्स्ट हाउस में आते हैं तो बहुत दूर से वो नहीं आते माय डियर, हो सकता है कि अभी प्रेजेंट टाइम में उनका लोकेशन दूर है बट उनका जो रूट्स है वो आपके आसपास आपके घर की दूसरी सिटी में दूसरी टाउन में ऐसी एनर्जी या फिर सेम सिटी से भी होती है, ये वो एनर्जी है माय डियर, व्यक्तित्व,
एंड कहीं ना कहीं पर्सन मतलब काफ़ी सिलेक्टिव चूजी पर्सन होगा, अपने आप को निखारने के लिए, अपने आप को ग्रूम करने के लिए काफ़ी यू नो खर्चा वगैरह करते होंगे। देखते हैं। थैंक यू। बैलेंस एनर्जी, मुझे लिब्रा की एनर्जी आ रही है बहुत ज़्यादा। थैंक यू। फर्स्ट हाउस एवरीज, ओके। मिस्टेक पाइसिस एनर्जी, मैं बोल रही थी चंचल, पाइसिस से बढ़कर चंचल कोई हो ही नहीं सकता माय डियर। तो मिस्टेक एनर्जी है माय डियर, इस एनर्जी के साथ कनेक्ट होने में थोड़ी टाइम आपको लग सकती है, बट डेफिनेटली इस पर्सन के साथ जैसे जीवन, अगर जब कनेक्ट आप हो जाएंगे आपको लगेगा दिस इज़ द बेस्ट, इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता माय डियर। पाइसिस को समझना थोड़ी मुश्किल है, अगर आप समझ लेते हैं इस एनर्जी को, हो सकते हैं पाइसिस की साइन इनकी बातचीत में काफ़ी हैवी है, इंट्यूटिव टेली, जैसे 5D लेवल में आप दोनों के बीच कम्युनिकेट, आप कम्युनिकेट करोगे, कम्युनिकेशन होगा। थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू। यस, टॉरस एनर्जी, बॉम्ब शेल, दिस एनर्जी इज़ वेरी वेरी स्टबर्न एनर्जी माय डियर। समटाइम कभी कभी चीज़ों को लेकर थोड़ी स्टबर्न हो जाएंगे, ज़िद्दी एनर्जी है, बट ठान लिया तो बस करना है। टॉरस एनर्जी डेफिनेटली बैंक बैलेंस लिक्विड कैश की घर है, परिवार जन की घर है, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होगा, एज वेल एज रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करने वाले एनर्जी है। फैमिली इनके लिए इंपॉर्टेंट है माय डियर, परिवार इनके लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाले एनर्जी को थोड़ी ज़िद्दी होगी, थोड़ी लेजी भी एनर्जी आ रही माय डियर, थोड़ी पुश करना पड़ता है इनको। दूसरी है द बॉस कैप्रिकॉर्न, द बॉस, यस दिस इज़ द बॉस, यस कैप्रिकॉर्न हार्ड वर्कर वर्कहोलिक की मुझे वाइब्स आ रही है। अगर लग जाए काम पे तो थोड़ी पुश करना होता है, बट एक बार लग गया काम पे, दिस इज़ द टॉरस एनर्जी, तो काम ही करते जाएंगे, काम ही करते जाएंगे, खाना की ज़रूरत नहीं है, ये ब्रेकफास्ट लंच भी यहाँ पर स्किप कर सकते, वो एनर्जी है, मतलब हाथ धो के पीछे पड़ जाएंगे, ये वो एनर्जी है। ओके, एंड विद दिस सेवेंथ हाउस, यस आई, दिस इज़ द फर्स्ट हाउस एंड दिस इज़ द सेवेंथ हाउस, कहाँ एंड विद दिस बैलेंस एनर्जी हियर। मैं आपको तो बोल ही रही थी ये डिवाइन काउंटर पार्ट है, इससे एक हाई लेवल की सोलमेट कनेक्शन है माय डियर। यहाँ पर दो कप, यहाँ पर एक कपल है, यहाँ पर बहुत ही एक इंटीमेसी की एनर्जी आ रही है, तो ह्यूज एनर्जी। यहाँ पर आपकी सेवेंथ हाउस में कोई मेजर प्लैनेट हो सकते हैं या फिर फर्स्ट हाउस में इनका भी है। ओके, चलिए देखते हैं। थैंक यू। सेवेंथ हाउस में जो भी प्लैनेट बैठेगा माय डियर, वो डायरेक्टली फर्स्ट हाउस को एस्पेक्ट करते हैं, तो व्यक्तित्व में वो प्रभाव होगी। थैंक यू। चंचल स्वभाव माय डियर, थैंक यू। पाइसिस एंड कैप्रिकॉर्न दोनों ही चर राशि है, चंचल है, डुअल एनर्जी आ रही है, तो डिसीजन लेने में थोड़ी टाइम लगता है, इसलिए मैं बोल रही थी ना धक्का मारने की ज़रूरत है इनको, थोड़े एक बार मार दिया तो चलने लगेंगे, फिर को मतलब इनको रोकने के लिए भी आपको जाना होगा, बस रुको, बस हो गया, तो ये एनर्जी है, मतलब बीचों बीच किसी को चाहिए, स्टार्ट करने के लिए भी, अगर स्टार्ट हो जाए तो रोकने के लिए भी किसको चाहिए, ब्रेक नहीं है। चलिए देखते हैं। थैंक यू, थैंक यू स्प्रे, थैंक यू। फ्यूचर स्पाउस पाइल टू, फ्यूचर स्पाउस, थैंक यू। यस, नंबर 8, जाने पहचाने नजर आ नजर आ फॉर्स पर्सन, फ्रेंड्स सर्किल से, कलीग से, चाइल्डहुड फ्रेंड्स, सेम टाउन से बिलोंग करने वाले एनर्जी, जानी पहचानी एनर्जी, या फिर परिवार के थ्रू से आने वाली कोई एनर्जी, कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू से आने वाली कोई एनर्जी हो सकती है, जो अभी की एनर्जी में फॉल्स है। गैस मैसेज ऑफ कंसर्न नंबर 14 की एनर्जी आ रही है, फॉर सम किसी के लिए मैट्रिमोनियल साइड से भी पर्सन आ सकते हैं, बट अभी की एनर्जी मुझे डिस्टर्ब नज़र आ रही है इनकी, एंड कहीं ना कहीं परफेक्ट मैच इनको नहीं मिल रही माई डियर। ये भी मैरिज के लिए रेडी है, आप भी मैरिज के लिए रेडी हो, मैसेज ऑफ कंसर्न, कब मैसेज आएगा, कब परफेक्टली कुंडली मिल जाए, कब परफेक्टली सब कुछ ठीक हो जाए, परफेक्ट मैच मिल जाए, तो ये नहीं मिल रहा है माई डियर। थैंक यू। फैमिली रूम, यस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, 1221, दिस इज द एनर्जी माई डियर, लग्जरियस लाइफ ये प्रोवाइड करेंगे आपको, बट एज वेल एज मुझे नज़र आ रही है पर्सन की कुछ ना कुछ अभी चल रहा है इम्प्रिजनमेंट, कुछ ना कुछ अभी स्थिति इनकी बिगड़ी हुई है माई डियर, या तो फिर जॉब के लेकर तैयारी चल रही है, या फिर हैंडसम सैलरी अभी वो होती है ना एक जॉब सेटिस्फैक्शन, तो वो नहीं मिल रहा है ना कुछ यहाँ भी प्रेजेंट टाइम में मसला चल रहा है, कुछ रिलेशनशिप को लेकर कुछ चल रहा है, तो कुछ ना कुछ अभी चल रहा है, बट फैमिली रूम की एनर्जी है माय डियर, एक लग्जरियस लाइफ मुझे आप लीड करोगे इनके साथ आगे जाकर, एंड ए पर्सन रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाली एनर्जी है,
and this is the wealthy man. Yes, number 13, I've already told you, this is the wealthy man. But चाहत इनकी बहुत बड़ी है my dear. आज मिलीनियर है तो कल बिलीनियर, कल करोड़पति, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक विश है इनका my dear. एंड थोड़ी जैसे डिसीजन लेने में इनको थोड़ी टाइम लगती है माय डियर, बट बहुत ही वेल्दी फैमिली नज़र आ रही है. लेट्स सी हु विल बी फ्यूचर स्पाउस. ग्रुप नंबर टू की फ्यूचर स्पाउस कौन है? थैंक यू. ग्रुप नंबर टू की फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे? थैंक यू. ग्रुप नंबर टू की फ्यूचर स्पाउस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वन टाइम मोर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. दिस इज सेवन ऑफ पेंटेकल्स. मैं आपको बोल ही रही थी ये पर्सन बहुत ही कूल काम एनर्जी है, थोड़ी चंचल स्वभाव की है तो थोड़ी पुश करना पड़ता है चीज़ों को लेकर. एंड पेशेंस की एनर्जी आ रही है माई डियर. सेवन ऑफ पेंटेकल्स पेशेंस कार्ड है तो कहीं ना कहीं आपने वो सीड लगाई है, तो दोनों तरफ से मुझे वो पेशेंस नज़र आ रही है क्योंकि यहाँ पर मैसेज ऑफ कंसर्न वेटिंग चल रहा है. या फिर एक पर्सन अभी के टाइम पीरियड में काम पे, मतलब अपने फाइनेंस, अपनी कैरियर, अपनी जॉब पर बिजी है. मुझे कुछ नॉन वाइब्स भी आ रही है तो हो सकता है दोनों तरफ से इंतज़ार चल रही है. तपस्या एक कर रही है तो दूसरे के लिए वो प्रतीक्षा भी तो चल रही है माय डियर. एक पर्सन अगर तपस्या में लीन है, दूसरे पर्सन उसके लिए प्रतीक्षा करे तो तपस्या उसकी तरफ से भी है. अगर जर्नी सोलमेट ट्विन फ्लेम का है तो डेफिनेटली अगर कोई एक पर्सन तपस्या में लीन है, दूसरे पर्सन उसका प्रतीक्षा करी है, वो भी एक तपस्या ही है. तो यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है माय डियर. थैंक यू. टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. द डेविल, बैक टू बैक कैप्रिकॉर्न एनर्जी, बैक टू बैक. सो दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी वर्कहॉलिक एनर्जी माय डियर. एंड विद दिस सेवन ऑफ पेंटेकल्स बैक टू बैक एक कार्ड आई है एंड सपोर्ट करी है यहाँ पर मून एनर्जी को. ओके, तो मून पर एंग्जाइटी का प्रॉब्लम है माय डियर. पर्सन कभी कभी बहुत एंग्जाइटी इशू इनको होती है. आपकी एनर्जी भी ऐसी हो सकती है. एंड मून पर मैलिफिक प्लैनेट के आसपास, मून पर मून से जुड़ी केमुद्रिंग अमावस्या विष योग ऐसी नज़र आ रही है. अचानक से मून एंड डेविल कार्ड एक साथ आई, एंग्जाइटी का इशू नज़र आ रही है. ये पर्सन कभी कभी ऐसी स्थिति में आ जाती है तो इसलिए मैं आपको बोल रही थी ना, जैसे साथ में इनको कोई चाहिए, जैसे ये इनकम्प्लीट है. आप भी इस एनर्जी में हो सकते, जैसे कोई एक सपोर्ट चाहिए. ये वो एनर्जी है माय डियर. थोड़ी वर्कहॉलिक की वाइब्स आ रही है. बीचों बीच हो सकती है कि पर्सन कभी कभी ड्रिंक भी करता होगा, फॉर सम मुझे नज़र आ रही है. ये वर्कहॉलिक है, मैं अल्कोहलिक की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर. थैंक यू स्पिरिट. या फिर पास्ट हार्टिक को भुलाने के लिए माय डियर, कुछ गम है, कुछ तकलीफ है. थैंक यू. वन कार्ड मोर, हेवी कैप्रिकॉर्न पाइसेस एनर्जी, थैंक यू. एट ऑफ पेंटेकल्स, यस मैं बोल रही थी ये पर्सन दिन रात मेहनत करने वाली एनर्जी है. एंड ए पर्सन भी एक सैटर्न की एनर्जी आ रही है, सैटर्न की एनर्जी आ रही बहुत ज़्यादा. एज के डिफरेंस में मैरिज होना, कम एक डिफरेंसेस होगा आप दोनों के बीच, उसके थ्रू से मैरिज होगा. कास्ट का कुछ ना कुछ डिफरेंस के थ्रू से मैरिज होगी. सैटर्न अगर लग्न फिफ्थ एंड एट्थ हाउस, इलेवेंथ हाउस में है तो तकलीफ बहुत होती है माय डियर. एटलीस्ट दशा महादशा में अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन में नहीं है तो तकलीफ थोड़ी देती है माय डियर. बनते बनते काम को बिगड़ने वाली एनर्जी है. एंड विद दिस क्वीन ऑफ वांड्स एनर्जी, सो डेफिनेटली अपने ऑरा में पर्सन यूनिक है. बट डुअल साइन, ए पर्सन सामने जब काम करता है बहुत कॉन्फिडेंट, यस आई एम ओके, आई एम वेरी कंपेटिटिव मैनर, फाइव ऑफ वांड्स एनर्जी ठीक ठाक है. बट जब लाइट ऑफ होती है, दिस इज़ द एनर्जी जो एक्टिव होती है, दैट इज़ द मून एनर्जी. पूरे ख्यालों में खो जाते हैं तो ये वो एनर्जी है. नाइट रूटीन भी थोड़ी इनका बिगड़ा हुआ है. आपका भी एनर्जी हो सकती है ऐसी माय डियर, आपकी एनर्जी भी ऐसी है, थोड़ी बिगड़ी हुई एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि नाइट रूटीन ठीक नहीं है. तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा जैसे ये अपनी ऑरा को भी जैसे वेस्ट कर रही है. हीलिंग चल रही है माय डियर, हीलिंग चल रही है इस पर्सन की. जब तक ये आप दोनों हील नहीं होंगे तो मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे डिवाइन यूनियन में डिले हो रही है. चलिए देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स लेकर आएंगे. थैंक यू. क्या ब्लेसिंग्स लेकर आएंगे आपके स्पाउस आपके जीवन पर. थैंक यू. ग्रुप नंबर टू, थैंक यू. बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एक क्रिएटिव फील्ड से जुड़ी काम
काम कर सकते हैं, लैंड से जुड़ी कोई काम, लैंड से जुड़ी बिजनेस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या ब्लेसिंग्स लेकर आएंगे? थैंक यू। यस, डिटर्मिनेशन, उत्साह देने वाली एनर्जी है माय डियर, पेले की एनर्जी है। आपकी करियर की ग्रोथ हो सकती है। एंड बॉटम ऑफ द डेक क्रिएशन, अदिति की एनर्जी है। तो डेफिनेटली ये पर्सन क्रिएटिव पर्सन है, आप में कोई हिडन टैलेंट है तो वो एक्सप्लोर करेंगे माय डियर। तो करियर की ग्रोथ नज़र आ रही है, उत्साह देने वाली एनर्जी है, आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ये हमेशा वो प्रेरित करेंगे आपको, ये वो एनर्जी है। चलिए देखते हैं। थैंक यू स्पिरिट। जैसे आप दोनों की लाइफ में पास्ट हार्ट है माय डियर, जब आप मिलेंगे जैसे वो यूनियन कंप्लीट होगी, लाइफ कंप्लीट होगी। लेट्स सी पर्सनालिटी। स्टूडेंट, तो हो सकता है स्टूडेंट लाइफ से, आप जानते हो अभी के टाइम पीरियड वो स्टूडेंट है, या तो फिर टीचिंग फील्ड से हो सकते हैं पर्सन। ओके, गुरु शिष्य का संबंध। ओके, किंग की एनर्जी। यस, दिस इज़ योर किंग, दिस इज़ योर क्वीन एनर्जी। लीडरशिप क्वालिटीज़ है, मैं आपको बोल रही थी, अथॉरिटी पोजिशन पर पर्सन हो सकती है, काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग पोजिशन है सोसाइटी में। बट कुछ हार्टेक है माय डियर, जो ये छुपाते हैं, फ्रंट ऑफ कैमरा नहीं है, वो बिहाइंड द कर्टन जब जाते हैं वो मून एनर्जी इनकी एक्टिव होती है। एंड प्रीस्ट एनर्जी, मैं आपको बोल रही थी गुरु शिष्य की एनर्जी, एक एज की डिफरेंस में मैरिज होना, कंपेटेबिलिटी की डिफरेंस हो सकती है। प्रीस्ट की एनर्जी स्पिरिचुअल पर्सन है माय डियर, अरेंज मैरिज इनके लिए भी प्रोमिनेंट आ रही है माय डियर, प्रोमिनेंट आ रही। बट मैरिज से पहले जान पहचान भी होगी, क्योंकि नॉन पर्सन की भी वाइब्स आ रही है। ओके, थैंक यू स्पिरिट। चले देखते हैं मास्टर कार्ड। दिस इज जजमेंट, दिस इज एक्चुअली बुद्धा एनर्जी, कॉन्शसनेस, हायर लेवल की कॉन्शसनेस की एनर्जी है माय डियर। मैं आपको बोल रही थी आप दोनों की हीलिंग होगी, आप मिलोगे। ये जो कार्ड है माय डियर, बहुत ही एक ब्लूइश एनर्जी है ना, ये सिक्स चक्रा को दिखा रही है। जैसे आप दोनों के कनेक्शन में जैसे आप मिलोगे तो एक रिबर्थ होगी जीवन पे, एक रिबर्थ होगी, एक रिजरेक्शन होगी, ये वो एनर्जी है माय डियर। ये आपकी लाइफ में एक रिजरेक्शन लेकर आएंगे, उम्मीद लेकर आएंगे, डिटर्मिनेशन लेकर आएंगे, होप लेकर आएंगे। एन्चेंटमेंट, बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है माय डियर, दो तरफ से ही दो एनर्जी मुझे काफ़ी घायल नज़र आ रही है, जैसे सब कुछ उम्मीद ही नहीं है जीवन पर। एन्चेंटमेंट, जैसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, आप मिलोगे, एक सन रेज आ रही है जीवन पर माय डियर। ये पर्सन आपके लिए एक सन रेज होगा, एक रेनबो रिवाइवर की एनर्जी आ रही है। इटर्नल फ्लेम, यस, दिस इज़ योर पास्ट लाइफ पार्टनर माय डियर, इटर्नल फ्लेम की एनर्जी आ रही है, जो आपकी सोल आज भी इस फ्लेम को, इस सोल को आज भी याद करती है, इस डिवाइन काउंटर पार्ट को याद करता है। दिस इज़ अ पास्ट लाइफ पार्टनर माय डियर, इटर्नल फ्लेम की एनर्जी है। लेट्स सी द मास्टर कार्ड, कंपेटेबिलिटी। यस, दिस इज अ सोलमेट कार्ड, बट डिफरेंसेस है, एज, कल्चर, कुछ ना कुछ बैकग्राउंड का कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होगा, कंपेटेबिलिटी का एक डिफरेंसेस होगा माय डियर। बट रिमेंबर, दिस इज योर डिवाइन काउंटर पार्ट, दिस इज योर पास्ट लाइफ पार्टनर, एक हायर लेवल की सोलमेट है पर्सन आपकी। ओके, सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप नंबर 3, वेलकम। चलिए देखते हैं आपकी शादी किससे होगी, अगर आपने डेट ऑफ बर्थ से चूज़ की है। ओके, और इस बर्ड को चूज़ किया है, ये बहुत ही शांत स्वभाव की बर्ड है माय डियर, ये अगर गलती भी करे तो माफ़ी मांग लेने वाली एनर्जी है, बहुत ही शांत स्वभाव की है, ओबीडियंट है। ओके, चलिए देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस मैं देखूँगी। यहाँ पर आपकी स्पाउस की पर्सनालिटी है, मास्टर कार्ड है, रिलेशनशिप की मास्टर कार्ड है, मैं एंड में देखूंगी, उससे पहले मैं शफल करूंगी, एस्ट्रोलॉजी डेक से देखूंगी। उससे पहले मैं कुछ बता देती हूँ आपको, एनर्जी जो मैं योग की बात करूंगी, तो अगर सिमिलर आ रही है तो ये बहुत पॉजिटिव है माय डियर। कभी कभी क्या होता है, D1 चार्ट से D9 चार्ट आती है, स्पाउस चार्ट बनते हैं, प्लैनेट बरगत्तम होती है, तो मून साइन भी वाटरी है, तो किसी का जैसे आपका वाटरी है तो इनका भी शायद वाटरी है, आपका यारी है तो इनका भी शायद यारी है, तो एनर्जी बहुत हद तक सेम आ सकती है। ऐसा मत कहिए कि मैं खुद से ही शादी करूँ, क्योंकि मैं कमन रीड करती हूँ, तो कभी कभी एनर्जी सेम आते हैं। एंड बातचीत भी मुझे कभी कभी, मैं हर दिन 10 से 15 कुंडली देखती हूँ, बातचीत भी सिमिलर हो जाती है बहुत ज़्यादा, दोनों में सेम टाइप की योग है, इवन प्लैनेट कंजंक्शन भी बहुत टाइम पे सेम हो जाती है, तो हो सकता है कि एनर्जी सेम आए। ओके, चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर 3, हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस। थैंक यू। अगर सेम एनर्जी लेवल की है फिर तो बहुत बढ़िया है माय डियर, आप एक दूसरे को समझेंगे। थैंक यू। प्रॉब्लम हो जाएगी कब सेम एनर्जी में, जब दोनों की सन एनर्जी अगर फायरी है,
दोनों की मून एनर्जी फायरी है तो इस जगह पर थोड़ी दिक्कत होती है, बट डिपेंड्स करेगा बात चार्ट के ऊपर। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 की फ्यूचर स्पाउस कौन है? थैंक यू। वन टाइम मोर थैंक यू। नेपच्यून ड्रीम्स में आपको बोल रहे थे बहुत ही शांत स्वभाव की एनर्जी है, मुझे शुरू से वो फील हो रही थी, शांत स्वभाव की एनर्जी है, ड्रीमी इमेजिनेटिव एक क्रिएटिव पर्सन है माय डियर। एंड एक बार अगर मतलब किसी सिचुएशन में है ऐसी कोई पास्ट हार्ट है कि तो बहुत जल्दी ना रिलीज नहीं कर पाते इस एनर्जी। यूनिवर्सल लव एनर्जी है नेपच्यून की एनर्जी, यूनिवर्सल लव एनर्जी है माय डियर। मेडिटेशन करते होंगे, हाई लेवल की स्पिरिचुअलिटी है, कंपैशन एम्पैथी है माय डियर, एंड एज वेल एज थोड़ी कंफ्यूज भी हो जाते डिसीजन लेने में। चलिए देखते हैं आगे कार्ड। थैंक यू। यस कैप्रिकॉन द बॉस एनर्जी, तो डेफिनेटली सीरियस फिगर है, एम्बिशियस है, रियलिस्टिक फिगर है माय डियर। ओके अगर मैं बात करूँ काफ़ी स्ट्रक्चर्ड होगा एंड ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करने वाले एनर्जी वाइज पर्सन होगा, एक यू नो एक बादशाह टाइप, एक मैजेस्टिक रॉयलिटी होगी इनमें। इनका बॉडी लैंग्वेज, इनका प्रेजेंटेशन, इनका ड्रेसअप वगैरह सब कुछ में एक यूनिकनेस होगा माय डियर, कि दूसरे पर्सन से थोड़ी जैसे अलग है। जाएंगे तो लोग घूम कर देखे, पीछे मुड़ कर देखे, वो एनर्जी है। थोड़ी वर्कहोलिक होगा माय डियर मुझे नज़र आ रही। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड। थैंक यू। बस हाथ धोकर पीछे पड़ जाएंगे कुछ करना है तो। थैंक यू। जेमिनी द बटरफ्लाई, दिस इज़ द ड्यूअल साइन माय डियर। बटरफ्लाई जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते काफ़ी, क्योंकि एक नॉलेज सीकर एनर्जी है, क्यूरियस एनर्जी, एंड एक फ्लेक्सिबल भी होगा माय डियर, एंड एज वेल एज ए पर्सन यू नो फ्रेंड्स सर्कल भी काफ़ी मतलब सिलेक्ट करेंगे, मतलब फ्रेंड्स भी सिलेक्ट करते हैं, चूज एनर्जी है। डेफिनेटली फ्रेंड्स है बट चूज ए सिलेक्टिव पर्सन, क्रिएटिव पर्सन होगा मुझे नज़र आ रही है, बट एनर्जी कभी कभी इनका स्विच होगा, इनका एक बटन है मूड बटन ऑन ऑफ का। थैंक यू। इस पर्सन के पास एक बटन है स्विच, कभी ऑन रहते कभी ऑफ रहते हैं। लिब्रा एनर्जी आइडियलिस्टिक, यस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू चूज़ी है, डेफिनेटली हार्मोनियस फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, बैलेंस एनर्जी। लिब्रा सेवेंथ हाउस को दिखा रही, काल पुरुष की कुंडली में सेवेंथ हाउस मैरिज का ही घर है, तो सेवेंथ हाउस में हो सकते कोई मेजर प्लैनेट है, कैप्रिकॉन आई मीन सैटर्न पर्टिकुलरली सेवेंथ हाउस में बहुत दिग्बली हो जाती है, नेपच्यून हो सकती है, मर्करी हो सकती है सेवेंथ हाउस में, लिब्रा साइन बनी हुई है, एवरेज असेंडेंट हो सकती है इनकी, बट दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी चूज सिलेक्टिव पर्सन। एक ग्रेसफुल एक एटीट्यूड इनका एक अलग लेवल का है माय डियर, थोड़ी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर भी हो सकती है। ओके एंड यस द सेवेंथ हाउस लिब्रा विद द सेवेंथ हाउस एनर्जी, एंड ए पर्सन एक स्टार की एनर्जी है माय डियर, अपॉर्चुनिटी लेकर आएंगे, मतलब एक महाभाग्यवान योग इनके बात चार्ट में हो सकती है। वेनस लिब्रा में हो सकती है, मालविया योग हो सकती है, एग्जॉल्टेड हो, अगर वेनस एग्जॉल्टेड है लिब्रा में है टॉरस में है, भद्र पंच महापुरुष योग हो सकते हैं, जेमिनी की एनर्जी आ रही है विथ मतलब पर्टिकुलरली पर्सन बोलना कम्युनिकेशन इनके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा काम है करते होंगे, टीचिंग फील्ड मीडिया फील्ड सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म में काम करना या फिर कंपनी वगैरह का जॉब यू नो ऐसी एनर्जी है मीडिया फील्ड जहाँ पर इस्तेमाल होती है विद दिस जेमिनी एंड लिब्रा एनर्जी। यार साइन सेवंथ हाउस इज बोथ आर यार एनर्जी, यार मीडियम के साथ काम करना, यार फोर्स में ऐसी एनर्जी आ रही है। ओके चलिए देखते हैं। थैंक यू स्पिरिट, विल बी फ्यूचर स्पाउस, ग्रुप नंबर 3, थैंक यू, विल बी फ्यूचर स्पाउस, थैंक यू। क्रिएटिव पर्सन है, सिंगर, ओके, थ्रॉट चक्र से काम करने वाले एनर्जी, क्रिएटिव पर्सन, मुझे एक लव मैरिज की वाइब्स आ रही है। थैंक यू। बट कैप्रिकॉन भी यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, जो सैटर्न की एनर्जी को मतलब हैवी दिखा रही, तो लव का मैरिज बट प्रोमिनेंट लव मैरिज नज़र आ रही है। यस
ऑफिशियल पर्सन. यस दिस इज 2-2 मास्टर नंबर. एक ऐसे पद पर एक पर्सन होगा माय डियर, ज़रूरी है मिलिट्री आर्मी पुलिस में ही हो, ऐसे पद जहाँ पर इनकी नाम से लोग इनको जानते हैं माय डियर. थोड़े गुस्से वाले स्वभाव के हो सकते हैं बट गुस्सा तुरंत ख़त्म हो जाने वाली एनर्जी है बिकॉज ए बार बहुत ही ओबीडियंट है माय डियर. ओवरऑल एनर्जी मुझे बहुत ही शांत मतलब ड्रीमी नज़र आ रही है. थैंक यू, थैंक यू. दिस इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम यूनिवर्स फॉर यू. नंबर 17 स्टार की एनर्जी है माय डियर. सो ए पर्सन आपकी लाइफ में, मैं आपको बोल रही थी अपॉर्चुनिटी कार्ड भी आपको आपकी एंड में आई थी, तो दिस इज़ ए लाइक ए अपॉर्चुनिटी. ये आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी लेकर आएंगे, ब्लेसिंग्स लेकर आने वाले एनर्जी है. तो परिवार के थ्रू से जैसे परिवार के उनके परिवार के लोग आपके घर में आएंगे, जैसे यू नो जैसे पिता कन्यादान करी है, जैसे एक माँ जैसे बेटे को भेज रही है वो शादी के मंडप तक जाने के लिए, आशीर्वाद दे रही, वो ब्लेसिंग्स दे रही, मुझे ऐसी एनर्जी की वाइब्स आ रही माय डियर. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. यस द लवर्स एंड विद दिस जेमिनी एनर्जी, दिस इज़ द लवर, दिस इज़ योर सोलमेट, दिस इज़ योर हाई लेवल सोलमेट माय डियर. नंबर 6 वेनस की एनर्जी. थैंक यू. पास लाइफ लवर एनर्जी. यस अनएक्सपेक्टेड इनकम. अनएक्सपेक्टेड इनकम की जो कार्ड है माय डियर, केतु जब 8th हाउस में होती है तो कभी कभी अनएक्सपेक्टेड इनकम करते हैं, बट इनकी पर्सनालिटी को अगर मैं देखूं, भाग्यवान है. जब जो ज़रूरत है ईश्वर जैसे उस पर्सन तक पहुंचा देता है, कोई ना कोई गाइडेंस के थ्रू से कुछ ना कुछ चाहिए, मतलब ये हाथ को चाहिए, नहीं है इसके पास मनी बेगर से, ये हाथ दे रही है, ये गॉड का हाथ है माय डियर. तो जब जो ज़रूरत है इस पर्सन को जैसे वो मिलता है, महाभाग्यवान योग. ओके चलिए देखते हैं. थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू. ग्रुप नंबर 3 के फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे? थैंक यू, थैंक यू. ग्रुप नंबर 3, थैंक यू, थैंक यू. लवर्स कार्ड आई है विद दिस अनएक्सपेक्टेड इनकम नंबर 27. तो मुझे लगता है आप दोनों को, जैसे आप दोनों मिलेंगे जब फर्स्ट टाइम, साइन बहुत दिखेंगे माइंड, जैसे स्प्रिट भी आपको आप दोनों को गाइड करेंगे. कभी कभी कोइंसिडेंस हो जाते हैं ना माय डियर, कि आप सुनते होंगे कि ऐसे मैं फर्स्ट टाइम अपने फ्यूचर स्पाउस से मिली थी, कोई यू नो कोई मार्केट में, किसी की शादी में, किसी की पार्टी फंक्शन में. तो ये वो स्प्रिट का एक प्लान है आपके लिए मिलाने का. मुझे यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड इनकम से मुझे वो नज़र आ रही है. थैंक यू, थैंक यू. बट मुझे यहाँ पर एक नॉन पर्सन मतलब स्ट्रॉन्ग नॉन पर्सन की वाइब्स आ रही है. थैंक यू, थैंक यू. फोर ऑफ शॉर्ट्स. यस एक कार्ड हीलर का कार्ड है हमारा. अगर मैं पर्सनैलिटी की बात करूँ तो ये पर्सन अभी जैसे रेस्ट के मूड में है माय डियर. जैसे ओवरथिंक बहुत करते हैं चीज़ों को लेकर, बहुत ओवरथिंक करते हैं, सोच समझ के डिसीजन लेने में इनको टाइम लगता है माय डियर. मैं आपको पहले बोल रही थी डिसीजन लेने में इनको टाइम लगता है. ईयर की एनर्जी है लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, या फिर पास्ट हार्टक है तो उसको लेकर सोचते हैं कि रिपीट तो नहीं होगा साइकिल फिर से, तो ये वो एनर्जी है. थैंक यू, थैंक यू. क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, ये एक्चुअली मदर कार्ड है माई डियर. अगर मैं देखूँ तो काफ़ी मून की एनर्जी, मुझे मून जैसे किसी के 7th हाउस लग्न में हो सकती है. तो क्वीन ऑफ पेंटाकल्स एक नर्चरर केयरिंग की एनर्जी होगा एंड डेफिनेटली मनी होगा एंड रिचुअल्स को फॉलो करने वाले फैमिली है माई डियर. ट्रेडिशनल फैमिली होगी, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होगा, बैंकिंग फाइनेंस मार्केटिंग से या फिर मीडिया फील्ड से या मीडियम में काम करने वाली एनर्जी, कम्युनिकेशन मुँह के शब्द के थ्रू से कमाई हो, ये वो एनर्जी भी हो सकती है. ओके थैंक यू, थैंक यू फ्यूचर स्पाउस, थैंक यू, थैंक यू. यहाँ पर मुझे लगता है बहुत सारे कुछ व्यूअर्स ग्रुप नंबर 3 में सिंगल मदर सिंगल फादर कनेक्शन में है. थैंक यू फॉर सम. ओके अदरवाइज दिस इज एक्चुअली ए मदरली फिगर, नर्चरर केयरिंग की एनर्जी है. हाई प्रिस्टेस, यस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू माय डियर कि हाई प्रिस्टेस की जो एनर्जी है वो एक्चुअल पाइसीज की एनर्जी है, 12th हाउस की एनर्जी है. जब हम सो जाते हैं मोक्ष की जो घर है दैट इज 12th हाउस हाई प्रिस्टेस एनर्जी. तो ये
हायर लेवल के स्पिरिचुअलिटी को दिखा रही है। इनके पास नॉलेज है माय डियर, विजडम है, या फिर हायर स्टडीज़ इन्होंने किया है। हायर स्टडीज़ के लिए हो सकता है कि यू नो बाहर गए हैं, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री है पर्सन, हायर स्टडीज़ एंड कहीं ना कहीं ड्रीम करते होंगे आप एक दूसरे को लेकर। आप ड्रीम करोगे, बहुत ज़्यादा ड्रीम में आना वो एनर्जी है। फिश पर्स करना, जैसे हवा भी जैसा जब मिलने से पहले जैसे वातावरण भी जैसे बदल जाएंगे माय डियर। बहुत सारे आप फील करोगे समथिंग इज कमिंग टुवर्ड्स मी, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर वो साइन वो ट्रिगर्ड होगा एनर्जी। थैंक यू। ओके, थ्री ऑफ कप्स में बोल रही थी एक नॉन पर्सन पार्टी फंक्शन के थ्रू से पहले बार मिलना, दूसरे की शादी पे आप गए हो, दूसरे की कोई इन्विटेशन पे आप गए हो तो उस जगह पर मिलना, चाइल्डहुड फ्रेंड कलीग्स के एनर्जी आ रही, मुझे नॉन पर्सन की एनर्जी आ रही। थ्री ऑफ कप्स काफ़ी हंसमुख चेहरे वाले एनर्जी होंगे, बट इनका मोड है स्विच है, मैं आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये बटन प्रेस करते हैं तब ये ऑन रहते हैं, तो ये वो एनर्जी है। एंड किंग ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी, येस एनर्जी इज सीरियस माई डियर, विद दिस पेज ऑफ पेंटेकल्स इनोवेटिव आइडियाज़ होगा, हायर डिग्रीज इनके पास हो सकती है। एंड किंग ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी पर्टिकुलरली ईयर मीडियम को दिखा रही, पास्ट हार्टिक को भी दिखा रही माई डियर। जस्टिस सिस्टम के साथ ये पर्सन काम कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आपके फ्यूचर पावर्स लेकर आएंगे। थैंक यू, ग्रुप नंबर थ्री के लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स लेकर आएंगे उनके फ्यूचर पावर्स। थैंक यू। म्यूज़िक, आई डोंट नो, मुझे म्यूज़िक सुनाई दे रही है बहुत ज़्यादा। म्यूज़िक सुनना आपको पसंद है या फिर इस पर्सन को भी पसंद हो सकते हैं माय डियर, मतलब बहुत ज़्यादा। फॉरगिवनेस, वाह फॉरगिवनेस, मैं बोल रही थी ना अगर ये कोई गलती भी करे तो ये माफ़, मतलब ये खुद भी माफ़ी मांगेंगे एंड माफ़ कर देने वाली एनर्जी है माय डियर। ओके, सनफ्लावर की एनर्जी, सन की एनर्जी आ रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इंडिपेंडेंस, आपको फाइनेंशियली इमोशनली हर साइड से आपको इंडिपेंडेंट करेंगे। इंडिपेंडेंट मतलब कोई कर देगा आप हो जाएंगे ऐसा नहीं है माय डियर, बट कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर इनकी तरफ से एक सपोर्ट नज़र आ रही है कि मेंटली ये आपको बहुत सपोर्ट करेंगे लाइफ टाइम में, हर काम में ये सपोर्ट करेंगे। एंड जैसे एक मदरली फिगर है ना, इसलिए मैं आपको बोल रही थी फॉरगिव कर देंगे, कोई भी आपने छोटी सी सॉरी भी बोल दिया तो ये माफ़ कर देंगे, वो एनर्जी है। एज के डिफरेंस मुझे नज़र आ रही है, कंपेटेबिलिटी का डिफरेंस हो सकती है, एज का कुछ ना बैकग्राउंड का डिफरेंस हो सकती है, कास्ट का। चलिए देखते हैं पर्सनालिटी। हर्मेट, यस हर्मेट वर्गो, लॉन्ग टाइम से पर्सन सिंगल है या फिर कुछ ना कुछ पास्ट हार्टिक है, बहुत कम बोलने वाली एनर्जी है, इंट्रोवर्ट शाई एनर्जी है, साई से भी ज़्यादा, अगर शाई कहना उचित नहीं होगा बिकॉज दिस इज़ वेरी एक्सपीरियंस एक्सपर्ट एनर्जी, साई नहीं है, इंट्रोवर्ट एनर्जी, दुनियादारी इनके पास है माय डियर, कब क्या बोलना है क्या करना है इनको पता है। केव की एनर्जी है तो थोड़ी पुश करना होता है इनको काम को लेकर, बट ए पर्सन वर्कहोलिक हो सकते हैं माय डियर। बैंकिंग फाइनेंस मार्केटिंग सर्वेंट, यस जॉब इनके पास होगी माय डियर, या फिर हैंडसम सैलरी इनके पास होगी, ओबीडियंट एनर्जी है, फैमिली के लिए सैक्रीफाइस करने वाली एनर्जी है, सर्वेंट एनर्जी, गाइड की एनर्जी, यस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गुरु शिष्य के जैसे एनर्जी, जैसे एक गुरु है दूसरा शिष्य है, नॉलेज है माय डियर इसके पास। एज डिफरेंट मुझे नजर आ रही, गाइड मेंटर की एनर्जी होगी, बॉस प्रिंसिपल ऐसी एनर्जी मुझे नजर आ रही है। थैंक यू, एंड दिस इज़ अ हीलर, मेडिकल डिपार्टमेंट हीलर हो सकते हैं पर्सन, तो इनकी भूमिका आपके लिए, मैं पहले आपको बोल रही थी ना गुरु एंड शिष्य की एनर्जी, जैसे सजिटेरियस एंड जेमिनी, तो ये वो एनर्जी है माय डियर, तो मुझे नज़र आ रही है कि इनकी भूमिका आपके लाइफ में एक हीलर गाइड मेंटर की जैसे होगी, टीचिंग डिपार्टमेंट हो सकती है, लिटरली साइंटिस्ट प्रोफेसर ऐसे डिपार्टमेंट भी इनकी हो सकती है। ओके, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। लेट्स सी द मास्टर कार्ड, टेम्परेंस, एक कार्ड तो टेम्परेंस का है माय डियर, बट मुझे एक कार्ड अर्धनारीश्वर की जैसे दिखाई दे रही है, दिस इज़ एक्चुअली महादेव, इस साइड में माता पार्वती है, तो ट्विन फ्लेम की जो एनर्जी है, एंजेलिक फिगर, अर्थ एंजल है ये पर्सन आपके लिए। एंड बैलेंस, सेवेंथ हाउस लिब्रा की एनर्जी है, बैलेंस एनर्जी, सजिटेरियस एनर्जी भी है, गुरु जुपिटर, तो जुपिटर से हंस नामक राज्यों का निर्माण हो सकता है इनकी बातचीत में, या फिर आपकी गुरु सजिटेरियस स्पाइसिस या फिर कैंसर में है, पॉसिबल है, बट दिस इज़ द एनर्जी, बहुत ही कूल काम एनर्जी है, इसलिए मैं आपको बोल रही थी ना एनर्जी काफ़ी शांत स्वभाव की है। टेम्परेंस, एंजेलिक फिगर, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकती है,
गोल्ड एंड मेमोरीज, पास्ट लाइफ लवर एनर्जी माई डियर. ये पर्सन किसी चीज़ को लेकर कनेक्ट हो जाते तो रिलीज करने में इनको थोड़ी टाइम लगता है, बिकॉज ये एनर्जी बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी है माई डियर. एक दूसरी एनर्जी के जैसे नहीं है, बस हो गया क्लोज कर दिया, ऐसे एनर्जी नहीं है. डेडिकेटेड पर्सन है, 1% कमिटेड एनर्जी है, पास्ट लाइफ लवर विद दिस टेम्परेंस एनर्जी एंड सेलिब्रेशन. यस, 3 of Cups की भी एनर्जी आई थी शायद आपकी, तो मुझे नज़र आ रही है आफ्टर मैरिज लाइफ काफ़ी पार्टी ओरिएंटेड, एक हंसते खेलते एनर्जी, थोड़ी सीरियस से लाइट हार्टेड एनर्जी रहेगी. ओके, एंड दिस इज द डिवाइन फेमिनिन, ये वेनस की एनर्जी है. कम्युनिकेशन एक दूसरे को लेकर यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन से भी ज़्यादा मुझे डिवाइन फेमिनिन वेनस एंड मून को देखा जाता है इस एनर्जी में, तो मदरली फिगर को दिखा रही है. फेमिनिन साइड भी काफ़ी वाइब्रेंट होगा, केयरिंग होगा, बट एक दूसरे के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगी, पर्टिकुलरली जो फीमेल इस कनेक्शन में है, काफ़ी चार्मिंग पर्सनैलिटी होगी. थैंक यू सो मच. ग्रुप नंबर 3 मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे. गॉड ब्लेस यू.